एग्जाम्पल देखते हैं ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व एलिमिनेट थीटा फ्रॉम इक्वेशंस पी इक्वल टू ए कौशिक थीटा एंड क्यू इक्वल टू ए कॉर थीटा तो जो दे रखा है वो सब लिख लो हमें दे रखा है पी इक्वल टू ए कौशिक थीटा एंड क्यू इक्वल टू ए कॉर थीटा तो यहाँ पे पी बाई ए कर लोगे आप आपके पास क्या हो जाएगा कौशिक थीटा एंड यहाँ पे क्यू बाई ए कर लीजिएगा तो ये आपके पास कॉट थीटा हो जाएगा ठीक है अब क्या करते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम दोनों में क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका p बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका कौशिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा सिमिलरली q बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसे तो और सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कौशिक स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर ठीक इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड अब क्या करोगे वन माइनस टू कर लो समीकरण एक में से दो को घटा लीजिए वी गेट तो एल एच एस में आ जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर है ना दोनों में ए स्क्वायर ये ना ए स्क्वायर और इधर आपका बचेगा आर एच एस पार्ट में कौशे के स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा और आप जानते हो कि कौशे के स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन होता है तो यहाँ पर लिख लोगे आप कि पी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर और माइनस में क्यू स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर इक्वल टू वन इसे आप चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो कि पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर डिवाइड मीन्स का ए स्क्वायर होगा एल लेने पर इक्वल टू वन या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद तो आप जो चाहो तो लिख सकते हो चाहो तो ये लिखो या फिर चाहो तो एक अच्छा फॉर्मेट ये भी है तो ये भी लिख सकते हो आपकी मर्जी ठीक है चलिए